मैथ्यू हेडन जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक लेजेंडरी बैट्समैन है, उन्होंने कहा है कि आने वाले अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया किसी भी तरीके से सीरीज को हारती है तो इसके पीछे के सबसे बड़े विलन कौन होंगे, डेविड वार्नर। उन्होंने डेविड वार्नर को लपेटे में ले लिया। जानकारी के लिए बता दूं कि डेविड वार्नर रिटायर हो चुके हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को, जो है वो अब सर्विसेज नहीं देंगे टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अपनी आखिरी जो इनिंग खेली थी उसमें भी उन्होंने 50 लगाई थी, यानी कि काफ़ी अच्छे फॉर्म से वो गुजर रहे हैं, 37 साल के हैं वो इस समय, लेकिन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपनी सर्विसेज देना अब बंद कर दिया है। जब उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया था उस समय वो ऑस्ट्रेलिया के टॉप 5 रन गेटर बैट्समैन की लिस्ट में नंबर 5 पर शुमार थे। सोचिए कितने ज़्यादा टैलेंटेड थे डेविड वार्नर। 112 टेस्ट मैच उन्होंने अपने करियर में खेला, 8000 से ऊपर उन्होंने रन्स बनाए। डेविड वार्नर के बारे में मैथ्यू हेडन जब बात करते हैं तो कहते हैं कि क्या लाजवाब बल्लेबाज है, क्या अग्रेसिव तरीके से खेलता है, टेस्ट क्रिकेट में भी फुल एंटरटेनिंग नॉक, फुल अग्रेसिव तरीके से बैटिंग करता है, मतलब गेंदबाजों को बैकफुट पे डाल के रखता है और अपने गेम को कभी भी चेंज नहीं करता। सबसे मेन चीज़ ये, उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि डेविड वार्नर रिटायरमेंट ले। उन्होंने कहा मैं इस चीज़ के भी पक्ष में नहीं हूँ कि डेविड वार्नर के जाने के बाद स्टीव स्मिथ से ओपनिंग कराई जाए। जी हाँ, अगर आप पिछले कुछ समय से क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं तो आप ये जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम अभी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है। स्टीव स्मिथ को एज अ ओपनर ट्राई किया जा रहा है। 4 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, 4 टेस्ट मैचेस में स्टीव स्मिथ को एज अ ओपनर ट्राई किया गया, लेकिन उनके वो रन्स निकल के नहीं आ रहे जो कि वो नंबर 4 पे आके खेलते हैं। नंबर 3 पे मार्नस लाबुशेन एक अच्छी भूमिका निभाते हैं और ओपनिंग का स्पेस अभी तक वैकेंट है। उस्मान ख्वाजा के रूप में एक अच्छा ओपनर ऑस्ट्रेलिया के पास है, लेकिन दूसरा ओपनर उनको अभी तक नहीं मिला। उन्होंने स्टीव स्मिथ को यूज़ किया 4 टेस्ट मैचेस में, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन इसके बावजूद भी स्टीव स्मिथ का वो हमको क्रश नहीं देखने को मिला जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वो रन्स हमको नहीं देखने को मिले, वो स्टीव स्मिथ का फिज हमको देखने को नहीं मिला जिसके लिए उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में फैब 4 में शुमार किया जाता है। स्टीव स्मिथ लगभग 28 के औसत से टॉप ऑर्डर में रन बना रहे हैं, ओपनिंग करने जब आ रहे हैं तो रन बना रहे हैं, लेकिन जब 4 नंबर पे आप उनके परफॉर्मेंसेस को देखेंगे तो 55 के ऊपर की उनकी औसत है, मतलब इतनी लाजवाब औसत जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। मतलब पूरे विश्व में जा जा के उन्होंने रन्स बनाए हैं। भारत के खिलाफ तो स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड है कि जब टीम इंडिया के सामने वो आते हैं तो टीम इंडिया के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हैं, क्योंकि स्टीव स्मिथ एक ऐसे बैटर हैं जिनको स्पिनर के खिलाफ कभी भी परेशानी नहीं हुई। सेम चीज़ डेविड वार्नर के साथ थी, जिसको लेकर मैथ्यू हेडन कहते हैं कि डेविड वार्नर का संन्यास लेने का समय अभी था ही नहीं। अगर उनको जाना भी था, उनको रिटायरमेंट लेनी भी थी, तो उनको ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेल कर जाना चाहिए था। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर आखिर इतना बवाल मचा क्यों है ये भी बता देता हूँ, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में नहीं हराया। 4 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इस बीच में खेले जा चुके हैं। आपको याद होगा अभी कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया गई थी भारतीय टीम और वहाँ पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत कर आई थी, और उस जीत के मायने कुछ और थे क्योंकि टीम इंडिया को सबने बैकफुट पे धकेल रखा था। विराट कोहली पहले मैच के बाद भारत लौट आए, तो कुल मिलाकर टीम इंडिया को किसी ने भी एक भी पॉइंट नहीं दिया था कि आप इस बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत सकते हो, लेकिन टीम इंडिया ने जीता। अभी आपको 2023 का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी याद होगा जिसमें टीम इंडिया ने वन साइडेड तरीके से डोमिनेट किया। अब इन्हीं सबको देखते हुए जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती। इन्हीं सबको देखते हुए पैट कमिंस का भी याद होगा आपको, 8 वीक के वो ब्रेक पे चले गए हैं, यानी कि 8 वीक वो ब्रेक करेंगे, उसके बाद वो क्रिकेट में वापसी करेंगे और अपने पूरे स्ट्रेंथ को, पूरे पोटेंशियल को वो भारत के सामने जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है उसमें झोंकने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर के पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियन खेमा जो है इस समय टीम इंडिया के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है। हर कोई अपने अपने तरीके से अपने अपने स्ट्रेटजी बताने की कोशिश कर रहा है। हर कोई चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया इस बार चढ़कर खेले भारत के सामने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जिस तरीके से हम पिचेस को देखते हैं, जिस तरीके की ग्राउंड्स है वहाँ पर, वो सीमर्स को काफ़ी सपोर्ट करता है। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस इस बार भूल गए कि इंडिया के पास भी जसप्रीत बुमराह और शायद हो सकता है मोहम्मद शमी की वापसी हो जाए, तो एक शानदार सीम अटैक इंडिया के पास है। वैसे ऑस्ट्रेलियन सीम अटैक भी अच्छी चुनौती पेश कर सकेंगे, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा के रूप में टीम इंडिया के पास एक सॉलिड डिफेंस मौजूद है। वैसे मैथ्यू हेडन ने ये जो स्टेटमेंट बनाई है, ये जो स्टेटमेंट कही है डेविड वार्नर के बारे में, इससे आप कितना ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं? क्या उनको सही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तक खेलना चाहिए था या फिर नहीं? आप कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए हिंदी खबर डिजिटल।